प्रकृतरे भगवान को पाखरे आमे सेतिकी बेले समर्पण करि पाइबा जेते बेले आमे द्वंद्व विमुक्त द्वंद्व ये द्वंद्व विषय रे श्रीमद् भगवत गीता रे अनेक स्थान रे भगवान अर्जुन को कहिछन् ई द्वंद श्रीमद् भगवत गीतांकर द्वितीय अध्याय 45 श्लोक रे भगवान कहिछन्ति त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्दंडो नित्य सत्यस्थ अर्जुन त्रैगुण्य विषया वेदा ये समस्त ज्ञान ये समस्त शास्त्र ज्ञान ये वेदर कर्म कांड समूह त्रैगुण्य विषय सत्व रज एवं तम ये तीन गुणर अंतर्गत तेणु तते नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन तू गुणातीत ही जा श्रीमद् भगवत गीतांकर चतुर्दश अध्याय रे गुणातीत अवस्था विषय रे वर्णना करा जायछि जेपरी द्वितीय अध्याय सांख्य योग रे स्थित प्रज्ञार लक्षण कुआ जायछि सेमिति चतुर्दश अध्याय रे गुणातीतर लक्षण कुआ जायछि ई गुणातीत जते बेले हे जीवु सत्व रज तम गुणर अतीत तु हे जीवु सेते बेले कोन हे जीवो तोर आसी जीवो निस्त्रैगुण्य अवस्था निस्त्रैगुण्य भवार्जुन तु निस्त्रैगुण्य हे जा निर्दंदो नित्य सत्वस्थो निर्जोग क्षेम आत्मवान हे अर्जुन तू सदा सर्वदा नित्य सत्व गुणर आश्रय रे रह ए सत्य गुणर आश्रय रे साधना करू करू तिने सत्व गुणर उद्धव को चले जे निर्विकार रे जे तेनु एथिरे मध्य ए द्वंद शब्द को प्रयोग करी भगवान कहिसंती निर्दंदो नित्य सत्वस्तो निर्जोग क्षेम आत्मवान तू आत्मस्थ हे जा तू आत्मवान हे जा तू अंतर्मुखी हे जा तू ध्यानस्थ हे जा ये संसार रो समस्त सुख तो भीतर तू अनुभव कर सब सुख को तो भीतर अछि बिनि भा ए प्रकार भावना तो आसीबा वास्तव रे सुख तो संसार रे नाही सुख अछि तो भीतरे जने कवि भक्त कवि जने लिखि चंती ए संसार रे सुख को लक्ष्य करे ए संसार के ही सुख पाई नाही सुख आसे जा दुख दे बापाई ये संसार रे केही केबे वास्तव रे सुख पाई नाही संसार रे प्रकृत सुख नाही जहा को आमे सुख बोली कहूचु ताहाई आमको परवर्ती समय रे परवर्ती अवस्था रे दुख प्रदान करे ये संसार रे दुख तो दुख महा दुख ये संसार रे प्रत्येक सुख ही दुखर कारण ये संसार रे प्रत्येक सुख पचरे एक दुख था ये संसार रे समस्त सुख पाइबार पूर्वरु दुख एवं ये सुख पाइबा परे दुख
वास्तव रे ये संसार है सुख नाही। नाल पे सुखम नास्ति अल्प तत्व रे अल्प संसार रे क्षणिक संसार रे अलिक संसार रे सुख नाही। जत भूमा तत सुखम जहा व्यापक जहा महा जहा सर्व व्यापक जहा असरंती जहा अनंत सेठी सुख अछि सेठी सुख अछि कहीं संसार रे सुख नाही। सुख बोली जान जन नेत्र दिसे ए हाथ रुआसी से हाथ रेखसे आम आखि की आम दृष्टि रे जहां हमें सुख बोलिए संसार रे कहू वास्तव रे सेटा सुख नुहे सेटा क्षणस्थायी सेटा शाश्वत सुख नुहे सेटा चिरंतन सुख नुहे सेटा नित्य सुख नुहे एटा होची द्वंद। ये सुख दुखर मध्यवर्ती एक द्वंद ये सुख दुखर प्रतियोगिता भितरे आम जीवन अननिश्वासी हो जाए जार अन्य नाम शास्त्र रे कह जाइछि द्वंद सेति पाई कह जाइछि निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्जोग क्षेम आत्मवा तुम्हें निर्द्वंद हो जा द्वंद को परित्याग ही जीवन रे भगवता अभिमुखी करि पारे नाही एई द्वंद ही जीवन रे भगवान कर श्री चरण रे समर्पण करिवारे बाधा सृष्टि करे सेति पाई श्रीमद भगवत गीतांकर पंचम अध्याय तृतीय श्लोक रे मध्य अर्जुन को भगवान कहिचंती हे अर्जुन ए द्वंद को तुमको सही ज्ञेयः स नित्य सन्यासी जो दृष्टि न कांक्षति हे अर्जुन ताकुई तू नित्य सन्यासी बोली जान जो न दृष्टि न कांक्षति ताकुई तू नित्य सन्यासी बोली भाव जे न दृष्टि न कांक्षति जहाँ द्वेष नहीं बा घृणा नहीं बा ईर्षा नहीं कौनसी कथा पाई आकांक्षा जहाँ सुख पाइबार आकांक्षा नहीं दुख पाइले विषाद भी मन रे आसे नहीं एई सुख दुखर द्वंद रु जे विमुक्त से तो भगवान को व्यतीत आ जीवन रे किछि जाने नहीं सेति पाई कह जाय छी निर्द्वंद ही महाबाहु मृत्युं बंधात प्रमुच्य हे महाबाहु ता हूँ निर्द्वंद अवस्था से ही मृत्यु बंधन रु मुक्ति पाई जाए से ही मृत्यु संसार रु मुक्ति पाई जाए तेणु ये द्वंद उपर बेसी गुरुत्व देइछंती श्रीमद भगवत गीता रे भगवान पंचम अध्याय रे ये तिला तृतीय श्लोक पुनः सप्तम अध्याय रे अठाईस श्लोक रे भगवान कहिछंती हे अर्जुन तेसाम त्वंतगतः पापं जनानं पुण्यकर्माणं तेसा सेमानंकर समस्त पाप क्षय हो जाइछि समस्त पापर अंत हो जाइछि कोमानंकर ना जनानं पुण्यकर्माणं जो माने पुण्य कर्म करिचंती जो माने भगवत कर्म करिचंती जो माने भगवत भजन करिचंती से मानंकर समस्त पाप क्षय जायछि समस्त दुंदर विनाश हि जायछि से माने निर्द्वंद हि महाबाहु मृत्युं बंधा प्रमुच्य से माने निर्द्वंद हि जायछंती एवं ए मृत्युशील संसार रु विमुक्त हि जायछ द्वंद गले माया गला द्वंद गले
मोह गला द्वंद गले काम गला पाइवार इच्छा नहीं न पाइवार दुख नहीं ए तो द्वंद समत्व भावना जिते बेले आसी जाय से ताला निर्द्वंद अवस्था ताहारी अन्य नाम होची निर्द्वंद ही महाबाहु मृत्यु बंधात एवं सप्तम अध्याय कुहा गला द्वंद मोह निर्मुक्त भजन्ति मां दृढ़व्रताः जे द्वंद और मोहरु विमुक्त हो जाइछि एवं दृढ़ प्रतर सहित मोर पूजा करुची मोर उपासना करुची मोर भजन करुची से ही प्रकृतरे निर्विकार तार संसार तार अवसर संसार भावना नहीं केवल भावना हूँ भगवत प्रीति भगवत भजन भगवत पदार बिंदरे तार सदा सर्वदा मनोरंजन संसार सुख इंद्रिय लालसा एरूप रस गंध स्पर्श आदि विषय सुखरे ता मन मनोरंजित हुए नहीं तार मन मनिर मनोरंजित हुए भगवत भक्ति रे भगवत प्रीति रे भगवत भजन रे भगवत श्रवण रे भगवत कीर्तन रे भगवत कर्म रे तार मन सदा सर्वदा मनोरंजित हुए तेणु द्वंद सब बेले मुक्त हवापाई पड़ो तेसां त्वंत गत पापं जनानं पुण्य कर्माणं तांकर समस्त पाप सेते बेले नी रूप हे जाय को माने करो ना भजन्ति मां दृढ़ व्रता जो माने दृढ़ व्रतर सहित मोर भजन करंती से मानंकर समस्त द्वंद भाव चली जाय द्वंदर निर्मुक्त ही जा मुक्त ही जा से द्वंद ये कथा मध्य 15 अध्याय रे पुरुषोत्तम युगरे मध्य भगवान कहिसंति आमे परवर्ती पर्याय रे आलोचना करिबा ये द्वंद उपरे गीतार छत्रे छत्रे गीतार अध्याय रे प्रत्येक अध्याय किसी ना किसी द्वंद विषय आलोचना करा जाए द्वंद न हेले भगवत भक्ति आसीबनि द्वंद भाव न गले किंतु भाव न गले आबिलता न गले व्याकुलता आसीबनि आकुलता आकुलता सेते बेले आसीबो व्याकुलता सेते बेले आसीबो जेते बेले आम मन भीतरु द्वंद रूपक आबिलता सेते